हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आप सभी के साथ DIY शीट मास्क का वीडियो शेयर करूंगी, सो हियर आई एम। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम घर पर शीट मास्क कैसे बना सकते हैं। बट गाइस, ये जो शीट मास्क है वो जो नॉर्मल शीट मास्क होता है जो 99 रुपीज में मिलता है वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो शीट मास्क है उसमें सीरम होता है और वो आपके फेस को हाइड्रेट रखता है। बट ये जो शीट मास्क है वो आपके जो पोर्स होते हैं उसको क्लीन करेगा, प्लस आपकी जो स्किन है उसको टाइट करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ये काफी ज्यादा इजी है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें लगेगी, ये और ये। आपको ये सिर्फ ये दोनों चीजें लगेगी और इसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वेट टिश्यू है सो पॉकेट जो होता है उसमें से बाहर निकाल के रख सकते हो, कुछ घंटों बाद वो पूरा ड्राई हो जाएगा सो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ये जो शीट मास्क है वो काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, आपके फेस के लिए। और अगर आप इसे वीक में आई थिंक एक या दो बार भी किए, एक बार भी किए सो ये आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। सो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर आपको एक फुल एग व्हाइट लेना है और इसे आपको बहुत केयरफुली लेना है ताकि इसका जो येलो पोर्शन है वो बिल्कुल इसमें ना आ पाए। और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। आप फोक से भी मिक्स कर सकते हो, उससे भी ये काफी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। और इसे तब तक मिक्स करें ताकि इसके लम्स ना हट जाए। सो यहाँ पर अब हम रेडी हैं इसे अपने फेस पे यूज करने के लिए। सो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर ली हूँ और उसे मैंने कट कर लिया है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसमें कट कर लिया है। देन यहाँ पर एग व्हाइट को मैं ब्रश से डायरेक्ट अपने फेस पर लगाऊंगी और आप थोड़े थोड़े पोर्शन में लगाकर टिश्यू पेपर लगा सकते हो, पर यहाँ पर मैं फुल फेस में पहले एग व्हाइट को लगा लूंगी। सो यहाँ पर जैसे कि छोटा पोर्शन यहाँ पर मैंने इसे काट लिया है और अपने फेस में इसे लगाकर अगेन मैंने एग व्हाइट अपने फेस के ऊपर लगाया है। आपको यही प्रोसेस आपको पूरे अपने फेस में करना है, छोटे छोटे पोर्शन आपको टिश्यू पेपर के लेके आपके फेस के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पर आपको इसे 20 मिनट तक के इसे ड्राई होने देना है। तो यहाँ पर ये ड्राई हो चुका है, 20 मिनट रखा है मैंने। देन आपको इस तरीके से रिमूव कर लेना है। जब आप इसे रिमूव करेंगे सो आपको लगेगा कि ये पील ऑफ मास्क जैसे रिमूव होता है उसी तरह रिमूव होगा। और गाइज, अगर आपके नोज में ब्लैक हेड्स है या व्हाइट हेड्स है सो ये काफी इजिली रिमूव हो जाएंगे और आपके जो पोर्स है उसको भी क्लीन करेंगे। सो बेसिकली ये आपके पोर्स को क्लीन करने के लिए और स्किन को टाइट करने के लिए ही यूज में आता है। सो यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके टिश्यू पेपर सारे निकाल लेना है। गाइज, ये फेशियल हेयर को भी रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो इसके बाद यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है। गाइज, आफ्टर फेस वॉश आपको आपका फेस बहुत ज्यादा लाइट लगेगा और जो भी ब्लैक हेड्स एंड डेड स्किन आपके जो फेस में थी वो रिमूव हो चुकी होगी और आपका फेस बहुत आपको क्लीन आपका फेस लगेगा। सो गाइज, फेस वॉश के बाद यहाँ पे हमको अपने फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसके बाद हमें कुछ स्किन केयर करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने फेस में टोनर अप्लाई करूंगी। सो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने फेस वॉश यूज किया है वो है गुड वाइब्स का पपाया का ब्राइटनिंग फेस वॉश। देन नेक्स्ट जो यूज कर रही हूँ वो है गुड वाइब्स की नाइट क्रीम। और ये सारे प्रोडक्ट मैंने गुड वाइब्स के यूज किए है और काफी अच्छे प्रोडक्ट है जो की आपके फेस को बहुत ज्यादा हाइड्रेट और बहुत ज्यादा ब्राइट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने कितने इजी तरीके से शीट मास्क बनाया और यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर वही यूज किया जो मेरे पास वेट टिश्यू पेपर है जो मैं अपने मेकअप रिमूवर के लिए यूज करती हूँ। गाइज, यही वेट टिश्यू है जो मैंने इस वीडियो में यूज किया है और यहाँ पर आपको एक एग व्हाइट लगेगा। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसे वीक में एक बार तो भी यूज करते हैं या एक बार भी नहीं, दो वीक में भी अगर आप एक आध बार यूज कर लिए सो आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी रहेगी, टाइट रहेगी। और यहाँ पर जो आपको ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं तो वो भी उसको रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे पील ऑफ मास्क कैसे होता है वो उसका काम करता है। सो आप एक बार यूज करें, इसके 101% बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो देखना है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो आप मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टैप कर दे ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आपके मोबाइल में आपको पहले मिले। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।